ਜਿਹੜੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਾ ਜੀ ਇਹ ਸਾਡੀ ਕਣਕ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਫਾਇਦਾ ਦੇਣਗੀਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਜੜ੍ਹ ਜੜ੍ਹ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਦਿੰਦੀ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਮਲਚ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕਣਕ ਵੀ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬਿਹਤਰੀਨ ਹੋਏਗੀ। चलो जी, आइडिया नया आइडिया है जो अक्सर लोग फार्मर जो हमारे होते हैं वो कहते हैं ये जड़ी बूटी ख़त्म किया जाए, इसको तलफ किया जाए। बीज के अंदर मैं थोड़ा सा इसको बात को बढ़ाऊंगा, यानी बीज के अंदर बहुत सारी कुदरती हयात है, हम देख भी रहे हैं और इसमें मौजूद है, तो हम अगर इसे रोटावेट करते हैं तो वो उन्हें फिर ख़त्म कर देंगे, ज़मीन नंगी हो जाएगी, फिर अगले सीज़न की जो वीड्स हैं वो तो उगनी उगनी है। तो ये कुदरत का निज़ाम है कि जब ज़मीन नंगी होगी तो उसमें वीड्स उगनी उगनी है। वीड्स प्रॉब्लम नहीं है, ये एक सलूशन है, तो हमें इसको उसी नज़र से देखना चाहिए। तो ये वीड्स जो हम इससे फ़ायदा लेंगे, ये ज़मीन की खाद भी है, जो यहाँ पर लिविंग ऑर्गेनिज़म जितने हैं उनके लिए ये सेव है बन जाए। तो गंदम हमें चाहिए, गंदम हमने लगा दी, इसमें इंशाल्लाह इसकी जर्मिनेशन होगी तो ये भी हम दिखाएंगे और आगे इसको मुकम्मल जो इसका प्रोसेस होगा वो हम लम्हा बलम्हा जो है ना वो आगाह करेंगे ग्रुप्स में भी और तमाम हल्का अहबाब जो है, ताकि हम ये जो नजायज़ अखराजात हैं जिसे रोटावेट करें, ज़मीन की तैयारी करें, इन उनसे बच पाएँ और इससे फ़ायदा लें बजाय के नुकसान करने के, और इससे इंशाल्लाह हमें बहुत फ़ायदा होगा। थैंक यू जी, ये थी हयास की, हयास एग्रीकल्चर सर्विस की नई आइडिया और नई रिसर्च जो आप लोगों तक हमने पहुँचाई है। उम्मीद है कि सब फार्मर इसको स्टडी करेंगे, इसको नाले लेंगे और अपने नाले में इजाफा करेंगे। हयात दिन रात इसी कोशिश में है कि माशी तौर पे जो हमारे किसान हैं वो डेवलप हो सके।